वेलकम बैक टू माई चैनल, माई न्यू ब्लॉग। और उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो आपका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। और अभी दोपहर के बज रहे हैं 12 और बाय बाय कर रहा देखो आप सभी से, बाय 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 कर रहे हैं। और आज हमारे बाबू को लगे थे टीका, तो 3 टीके लगे थे। तो सुबह सुबह हम नाश्ता करके जल्दी जल्दी फटाफट गए थे बाबू को इंजेक्शन टीका लगवाने। दोनों हाथों पे लगा था और पैर में लगा था, बहुत दिक्कत हुई थी बाबू को, बहुत तब से परेशान कर रहा है, बिल्कुल कुछ भी काम नहीं करने दे रहा है। ये भी अच्छा हुआ मैं सुबह सारे काम निपटा के गई थी तो मेरी काम हो गए हैं। और अभी है दोपहर की खाने की तैयारी, तो कुकर दे रहा है सीटी, तो कुकर में बन रही है मेरी दाल, अरहर की दाल, सब्जी, रोटी, दाल, चावल बनाऊंगी, तो मेरा बन रहा है। और इधर देखिए हमारे बाबू आज बहुत परेशान कर रहा है देखो। और इधर कमरे में खा रहे थे परमल, तो पूरे कमरे में परमल परमल फैला के गए हैं। अभी बहुत परेशान कर रहा था सुबह से, बिल्कुल जब से इंजेक्शन लगवा के आए हैं 11 बजे से, तब से बहुत परेशान कर रहे हैं, बिल्कुल मम्मा को हटने नहीं दे रहा अपने पास से। देखो मुंह में उंगली कर रहा है पब छिची। तो 9.5 महीने के बाद बाबू को टीका लगा था, तो हमने लगवाया था। और उसके बाद मैंने बनने रख दिया था खाना, क्योंकि बहुत देर से ये परेशान कर रहे हैं, कोई भी काम नहीं करने दे रहे हैं। और अभी देखना मेरा दूध भी गर्म नहीं हुआ, दोनों बच्चों का दूध ऐसे रखा है, तो मैं दूध गर्म कर लेती हूँ। ये बाबू हमारे बहुत परेशान कर रहे हैं आज, तो बिल्कुल कोई काम नहीं करने दे रहे हैं। तो वैसे इनको ही लेके बैठे हैं और पीछे 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 घूम रहे थे। तो मैं बना रही हूँ दोपहर का खाना, क्योंकि इनके डैडी खाना खाने के लिए आएंगे, तो सुबह तो नाश्ते में कुछ बनना नहीं था, बस सुबह खाली चाय बनाई थी और आरू के लिए मैगी बना के दी थी। आरू को आज मैगी ले जाना था, तो आरू मैगी ले गई है खाने में। और हम लोगों ने किया था सिर्फ चाय नाश्ता, उसके बाद में हम गए थे बाबू को टीका लगवाने। तो चलिए अब मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि 1-1.5 बजे तक वो आ जाएंगे। और तो पहले मैं करूंगी दूध गर्म, क्योंकि सुबह से दूध गर्म नहीं हुआ है और 12 बज गए हैं, 12:15 का टाइम हो रहा है, क्योंकि दूध भी खराब हो जाएगा। लेकिन ये है सर्दी है तो अभी खराब नहीं हुआ था, पर ये बच्चे के चक्कर में कुछ भी नहीं कर पाई थी मैं। और इधर मैंने दाल बनने रख दी, तो दाल भी मेरी बन चुकी है, तो ये जब तक मेरा दूध गर्म होगा तब तक खाना भी बनता रहेगा साथ साथ में। और ये हमारी बाबू ना आज इतना परेशान कर रहे हैं, क्योंकि इनको टीका लगे थे तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहे हैं। तो एक मैंने फ्राई पैन में रख दिया था गाय वाला दूध, और ये भैंस वाला दूध मैंने भगोने में रख दिया है, बड़े भगोने में। और इधर मैं फ्राई दाल फ्राई करने के लिए कट कर रही थी प्याज और टमाटर और हरी मिर्ची, क्योंकि ये अरहर की दाल होती है, तो अरहर की दाल तो बिना फ्राई की अच्छी नहीं लगती है। तो देखिए मैंने कुकर खोल के देखा था, तो दाल मेरी एकदम परफेक्ट है। तो चलिए फ्राई कर लेते हैं, और ये फ्राई करूंगी मैं, ये छोटा वाला जो पैन है इसमें करूंगी मैं फ्राई, ये इसमें आराम से हो जाता है। और ये हमारे बाबू देखिए कैसे ड्रॉर खोल लेता है ये, और खड़ा है, मसाले की डिब्बियाँ सब इधर से उधर कर दी है। और अभी आरू का टाइम हो गया है आने का, तो आरू स्कूल से आ गई थी, 1 बजे आती है, तो गाड़ी का हॉर्न लगा था, तो वैसे ही मैं जल्दी से नीचे उतर के गई थी गैस बंद करके। और मेरा खाना तो बन चुका है, तो मैं अभी रोटियां बनाऊंगी, चावल सब्जी सब दाल वाल सब रेडी हो चुकी है। और ये 1 बजे आरू आती है, तो आरू को लेने के लिए जाना पड़ता है नीचे, ये बाबू को लेके जाना पड़ता है। और आरू तो भी आरू का बैग है भारी, तो आरू बैग लेके सीढ़ी चढ़ नहीं पाती है, तो इसी चक्कर से मुझे भाग के जाना पड़ता है नीचे, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है उसको, छोटा सा छोटी सी तो है और बैग इतना बड़ा है, फिर ये बच्चों की बैग में बुक्स कितनी सारी रहती हैं, तो इसी चक्कर से मुझे भाग के जाना पड़ा था नीचे। और ये बाबू को साथ लेके गई थी, तो जीने पे चढ़ने में बड़ी दिक्कत होती है, एक हाथ में बाबू होता है फिर बैग होता है, बहुत दिक्कत होती है, छोड़ के भी नहीं जा सकते। अगर कभी कभी ये छोड़ के चली जाती हूँ तो इतना तेज रोता है, बस ये नीचे तक जाना पड़ता है, पर ये बाबू को लेके जाना पड़ता है आज तो, क्योंकि इतना परेशान कर रहे थे। और इधर देखिए बाबू आरू पी रही थी पानी, और पूरा लंच बचा के लेके आई है,
कुछ भी नहीं खाया है उसने। और इधर मैं कट कर रही थी सलाद के लिए टमाटर और प्याज, और पूरा आज मैंने मैगी बना के दी थी आरू को, तो पूरा मैगी ऐसी वापस करके लाई है। और मैं इधर डाली थी सलाद में सिरका, प्याज में डाली थी, टमाटर में तो नहीं डालना है। क्या नींबू नहीं खाऊंगी क्योंकि ठंडी है बाबू की वैसे। और देखना इतना सारा मैगी दिया था, पूरा वापस करके लाई, एक भी चम्मच नहीं खाई आरू ने हमारी। पूरा मैगी ऐसी बचा के लेके आई, एक दिन दी थी तो उस दिन तो फिनिश कर आई और आज नहीं फिनिश करी। और अब मैं लगाऊंगी खाना क्योंकि ये आ गए खाना खाने के लिए। तो पहले मैंने चटाई बिछाई थी, या ये है नीचे बैठ के खाते क्योंकि बच्चे भी परेशान करते हो। तो चलिए हमारी थाली रेडी हो चुकी है, आप भी दोपहर खाने का इंजॉय लीजिए। और इधर देखिए हमारी आरू स्लेट लेके बैठी है और खाना खाएगी, कह रही है मैं काम करती जाऊंगी खाना खाती जाऊंगी। और देखिए हम लोगों का खाना हो चुका है और मैं करूंगी बर्तन साफ किचन साफ। और खाने के बाद में बाबू रोने लगे थे तो मैंने बाबू को सुला दिया है। तो चलिए ठीक है, ठीक है, मिलते हैं आपसे बाद में। इतने सारे काम करने के बाद मैं आराम करूंगी और आरू को भी सुलाऊंगी। तब मिलते हैं शाम को खाने के साथ। और अभी 5 बजे का टाइम है, शाम के 5 बज रहे हैं। तो देखिए अंधेरा हो चुका है और बाबू खेल रहे हैं और आरू हमारी स्लिप पे चढ़ के बैठ गई है। उसको स्लिप पे चढ़ना बहुत अच्छा लगता है, देखो मुंह कैसा बना रही है। और चलिए मैं इधर कर रही हूँ शाम के खाने की तैयारी। पहले खाने से पहले मैं कुछ बनाऊंगी, मुझे कुछ बनाना है तो उसकी मैं तैयारी कर रही थी। तो मैंने यहाँ पे लिए एक कढ़ाई, और क्या है मैं बनाऊंगी आज दूध से रबड़ी, क्योंकि दूध क्या है मेरा कई दिनों से इकट्ठा हो रहा है कुकर में, ये थोड़ा बहुत बचता है क्या है, इन्होंने भी नहीं पिया था दूध तो काफी इतना सारा देखिए दूध इकट्ठा हो गया। आरू भी अभी स्कूल की वजह से कम पी रही है दूध, तो इतना सारा दूध इकट्ठा हो गया था। तो मैं सोच रही थी क्या बनाऊं क्या बनाऊं, तो एक दिन कह रहे थे कि दूध बचा हुआ है तो एक दिन रबड़ी बना लो, रबड़ी खाने का मन है। तो मैंने कहा चलिए ठीक है रबड़ी बना लेते हैं। तो साथ में ये रबड़ी बन रही है और फिर खाने में मैं बनाऊंगी खड़े मूंग, मतलब साबुत मूंग की सब्जी। तो प्लीज ब्लॉग को लास्ट तक देखिए, अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करो। और इधर देखिए हमारे बाबू एकदम भाग गए थे बाहर, और इधर दूध निकलने जा रहा था तो मैंने जल्दी से गैस को बंद कर दिया था। और आरू को मैंने कितनी बार नीचे उतार दिया लेकिन उतरने का नाम नहीं ले रही है। जल्दी से जा पापा। इधर देखिए आरू क्यों रो रही थी, क्योंकि इनके पापा आ गए थे और आरू स्लिप पे बैठी थी, बैठ तो जाती है पर उतर नहीं पाती है, तो इसीलिए रो रही थी। मैं उतार नहीं थी, मैंने कहा बाबू आएगा पहले गोदी, तो इसीलिए इतना चीख चीख के रोने लगी। अब दोनों पापा के पास भाग गए। और इधर मेरी रबड़ी भी बन गई है तो इसके लिए मैं इसमें थोड़ी डालूंगी मैं हरी इलायची कूट के 4-5, ये इसकी खुशबू थोड़ी अच्छी आएगी। और थोड़ी ड्राई फ्रूट्स डाले हैं मुझे, काजू बादाम और वो खरबूज की जो गिद्दी होती है वो डालूंगी मुझे, और किशमिश। गोला तो नहीं डालूंगी, गोला मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है तो गोला नहीं डालूंगी मैं। ये मैंने बारीक बारीक कट कर लिए हैं ड्राई फ्रूट्स, और थोड़ी इसमें मिलाऊंगी मैं चीनी। तो चलिए हमारी रबड़ी बनके हुई है रेडी, इधर मैंने ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर दिए हैं, तो हमारी बढ़िया टेस्टी रबड़ी बनके हुई है रेडी। इधर बाबू भी रो रहे थे, तो चलिए उतार के रख लेते हैं क्योंकि अब करते हैं खाने की तैयारी, खाना भी बनाना है। और आज हमारे बाबू बहुत परेशान कर रहे हैं, अब देखिए कितनी टेस्टी यम्मी रबड़ी बनके हुई है रेडी। और आज मैंने रबड़ी पहली बार बनाई थी तो अच्छी बनी है, बहुत टेस्टी बनी है। तो चलिए सर्व कर लेते हैं और हस्बैंड जी को दे के आती हूँ, और उसके बाद में बनाऊंगी मैं खाना। तो खाने में मैंने मूंग भिगो के रख दिए थे, जो मैंने दोपहर में भिगो के रख दिए, अच्छे से भीग चुके हैं। और इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट है ओखली में, और मैंने प्याज और एक टमाटर कट किया, हरी मिर्ची कट की है। क्या ये मूंग जो साबुत मूंग की सब्जी होती है बहुत टेस्टी लगती है, तो मैंने सोचा चलो आज यही बना लेते हैं। तो मैंने इसमें जीरे का तड़का लगाया था और लहसुन प्याज का जो पेस्ट है वो भून लिया है। फिर मैंने इसमें डाल दिया था प्याज, और प्याज को अच्छे से भून लिया है। फिर मैंने प्याज वो सॉरी टमाटर और हरी मिर्च मैंने डाल दिया है इसको भूनने के लिए। ये मैंने थोड़ा नमक डाला है, नमक से ये जल्दी हमारा पक जाता है। तो इसमें मैंने मसाले ऐड कर दिए थे जो डेली सब्जी में यूज़ करते हैं, वो सारे मसाले यूज़ किए हैं, हल्दी मिर्च नमक और थोड़ा गरम मसाला। और तो चलिए फटाफट से हमारी सब्जी बन के हो जाएगी रेडी। ये कुकर में मैं सीटी लगाऊंगी तो 1-2 सीटी में बन जाती, क्योंकि
जो हमारे मूंग होते हैं ना वो भीगे हुए होते हैं तो जल्दी बन जाते हैं, और मूंग की दाल बनाओ या मूंग बनाओ तो वैसे भी आराम से बन जाते हैं। तो चलिए फटाफट मैं आटा लगा लेती हूँ, ये मेरी गैस पे सब्जी बनेगी और मैं जल्दी से आटा लगा लेती हूँ क्योंकि रबड़ी में भी काफी टाइम लगा था। तो आटा लग चुका है तो रोटियां बना लेते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी सब्जी बनके हमारी हो गई है रेडी, और ऊपर से मैंने डाल दिए हैं धनिया पत्ता। और हमारा खाना रेडी हो गया है तो चलिए खाना खा लेते हैं। तो चलिए देखिए हमारी मूंग की सब्जी, और आरू लेके बैठी है फोन क्योंकि उनको देख के खाना है फोन, वैसे बिना फोन के तो खाना खा नहीं सकती। और हमारा खाना हो चुका है तो मैं करूंगी बर्तन साफ, किचन साफ, और आरू तो अभी हमारी खा रही है क्योंकि आपको पता है वो तो बहुत टाइम लगाती है, तो पापा उनके खिला रहे थे क्योंकि वो कम से कम आधे घंटे में फोन देख देख के थोड़ा थोड़ा खाती है। तो जब तक मैं कर लूंगी किचन साफ बर्तन साफ। तो ब्लॉग कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना, और अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट करना। तो चलिए ठीक है, वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दिया करो क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं वीडियो शूट करने के लिए छोटे बच्चे के साथ में। तो चलिए ठीक है, ओके, बाय बाय, गुड नाइट।